दिल्ली की सरकार का जो एड का बजट वो 600 करोड़ रुपया है। एयर पोल्यूशन से इंडिया में हर 3 मिनट में एक बच्चे की मौत होती है। दिल्ली का मुख्यमंत्री 600 करोड़ रुपए का विज्ञापन देकर पराली पराली चिल्ला रहा है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। देश में प्रदूषण चरम पर है, छोटे छोटे बच्चों का खांस खांस कर बुरा हाल है, कंपनियां बंद हो रही हैं, छटनियां चल रही हैं, नौकरियां जा रही हैं, परिवार के परिवार सड़क पर आ रहे हैं। देश में बढ़ती महंगाई और बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि जिम्मेदार साफ तौर पर केंद्र सरकार ही है कि जनाब पाकिस्तान का लॉलीपॉप दिखा दिखा कर आप ये हमें कहां ले आए। जवाब देना भी चाहिए लेकिन जवाब मांगे कौन। संसद में जवाब मांगने की जिम्मेदारी विपक्ष की होती है लेकिन विपक्ष तो खुद ही कंफ्यूज है। सबसे पहले संसद में उनके कारनामे सुनिए। देश की जो समस्याएं हमने गिनवाई उन्हें छोड़ कांग्रेस ने क्या चुना वो जानिए। कांग्रेस ने सब छोड़कर जो मुद्दा पकड़ा वो था उनकी खुद की सुरक्षा का। संसद में सब काम छोड़कर बाकायदा नोटिस दिया गया कि देश में सोनिया की सुरक्षा पर चर्चा हो। स्पीकर नहीं माने तो पूरी पार्टी सदन छोड़कर घर चली गई। देश ताकता रह गया कि कम से कम उनकी तो सोच लेते जिन्होंने आपको वोट दिया। जब एसोसिएशन मांगा भी नहीं, शुद्धिकरण में एसोसिएशन क्या होता है, हत्या हुई थी उसके बाद ये हिंदुस्तान की सरकार तय किया गया था कि हिंदुस्तान की जो प्रधानमंत्री रहेगी और परिवार सबको एक प्रोटेक्शन दिया जाएगा केवल और खासकर अटल बिहारी वाजपेयी की ये गांधी परिवार को गांधी परिवार को एसपीजी प्रोटेक्शन देने में इजाजत दी थी। इस बीच इंदिरा गांधी का जन्मदिन भी था तो हमारी नजर पड़ी देश के जाने माने अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी इंदिरा गांधी की तस्वीर पर। तस्वीर में इंदिरा तो थी लेकिन साथ ही थी उनकी वो रुद्राक्ष की माला जिसके दम पर अब अपना अस्तित्व खोती कांग्रेस अब हिंदुओं को समेटने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए हर काम बेहद बारीकी से किया जा रहा है। अगर इंदिरा को ही भुनाना था तो कम से कम उनसे वो सीख भी ले लेते जहां उन्होंने सिर्फ इस बात को लेकर अपनी जान गंवा दी कि कहीं सुरक्षा से हटाए गए सिख बॉडीगार्ड को लेकर समाज में कोई गलत संदेश ना चला जाए। इंटेलिजेंस इनपुट के बावजूद बॉडीगार्ड बना रहा, इंदिरा चली गई। उन्होंने अपनी जान से पहले देश को रखा, देश के मुद्दों को रखा, लेकिन आज की कांग्रेस भटकी हुई है जो धीरे धीरे उसके पतन की वजह बनती जा रही है। अरे अपनी सुरक्षा को गंभीरता से लेने से किसने रोका था, लेकिन जनता को भी साथ ले लेते तो बात कुछ और होती। माना देश में बिगड़ते हालातों के लिए गलती बीजेपी की है लेकिन अब तक के सबसे कमजोर विपक्ष के तौर पर कांग्रेस को भी ये देश कभी माफ नहीं करेगा क्योंकि खुद को प्राथमिकता पर रखने की जो हरकत कांग्रेस ने की है उसे देखकर यकीन मानिए आज इंदिरा भी रो रही होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज़।